देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। गाजियाबाद में एक बार फिर हाई टेंशन तार जानलेवा साबित हुआ। गाजियाबाद के बागों के सिद्धार्थ विहार में ये हादसा हुआ। हादसे में 4 बच्चों समेत एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनमें से 2 बच्चों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल और महिला समेत 2 बच्चों को गाजियाबाद के एमएमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ, बहुत तेज की आवाज आई और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए और खराब हो गए। हादसे में एक 1.5 साल का बच्चा, दूसरा अंश 3 साल और एक महिला सुशीला 26 साल की चपेट में आ गए। दीपेश और कुणाल की हालत सीरियस रही, जिसमें इलाज के दौरान दोनों को दिल्ली के जीटीवी अस्पताल में मौत हो गई और 3 का अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चे छत पर खेल रहे थे और उनके हाथ एक लोहे का सरिया लग गया था, जिसे भी खेलते खेलते हाई टेंशन तार की चपेट में चले गए और एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद 2 बच्चों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल और अन्य घायलों को गाजियाबाद के एमएमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जी, कितने बच्चे थे ऊपर जो खेल रहे थे? जी, तो फिर क्या हुआ, अचानक क्या हुआ था? जो अचानक खेले थे वो था तो कोई नहीं था, लेकिन वही बहुत बड़ा वो हुआ, आवाज़ हुई, धमाका हुआ, तब पता लगी, तब आए वहाँ से सभी लोग, आए देखा वहाँ पे। बच्चों की लगभग कितनी उम्र होगी जो बच्चे? 9 साल का, 10 साल। जी, 2 बच्चे और बता जा रहे थे जो नीचे थे। मैं 1 साल की लड़की है और एक उसकी मम्मी है। उनका नाम क्या है जो झुलसे हैं? एक तो हेमेंद्र की लड़की का नाम रोशनी है और उस लड़की की माँ का नाम है सुनीता। दोनों बच्चे ना ऊपर कपड़े लेके, क्या नाम था बच्चों का? कुणाल था या दूसरे का नहीं। अच्छा जी, क्या हुआ था फिर? फिर ये कपड़े डालने ऊपर गए, हम लोग ना बाहर खड़े थे चौक में, ग्रिल पे खड़े थे, तो अचानक से ब्लास्ट हुआ, पता नहीं फिर कमरे वमरे में धुआं हो रहा था। और फिर वो सुनीता लेटी थी, पर उसकी बच्ची भी वहीं थे, सब दोनों पे चल गए। पंखा वंखा गिर गया, कमरे में इन्वर्टर वगैरह फट गया। अच्छा, कितने बच्चे झुलसे हैं? 3, एक सुनीता। अच्छा, 4 लोग झुलसे। कहाँ लेकर गए इनको? हॉस्पिटल लेके गए। गाजियाबाद से संवाददाता राज मोहम्मद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।